गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो आज के अपने EVS की क्लास में हम देखेंगे अपना लेसन नंबर 17 यूजफुल प्लेसेस इन आवर नेबरहुड। इस लेसन की एक्सरसाइज, ओके। तो एक्सरसाइज में अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्या है। ए में टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो ऑप्शन सही है, जो राइट ऑप्शन है, उसको हमें राइट टिक करना है, ओके। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने EVS की टेक्स्ट बुक निकालो, देखो लेसन नंबर 17 की एक्सरसाइज। एंड सर अभी आप वीडियो में ध्यान दे ब्लैक बोर्ड। तो अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि वेयर टू वी गो टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कहाँ पे जाते हैं पढ़ने और लिखने के लिए, ओके। पढ़ना और लिखना सीखने के लिए हमें कहाँ पे जाना होता है। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, स्कूल में, इसके बाद है पोस्ट ऑफिस में, एंड लास्ट है बैंक में। तो हम कहाँ पे पढ़ना और लिखना सीखते हैं, हम अपने स्कूल में लिखना और पढ़ना सीखते हैं, यानी कि रीडिंग एंड राइटिंग सीखने के लिए हमें जाना होता है स्कूल में। समझ में आया आपको। उसके बाद अपना सेकंड वाला सेंटेंस, यानी कि सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि वेयर डू वी गो टू बाय थिंग्स वी नीड। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि वेयर डू वी गो टू बाय, यानी कि हम कहाँ पे जाते हैं कोई भी चीज खरीदने के लिए जो हमारे लिए आवश्यक होती है, ओके। समझ में आया आपको। अभी देखो ना, अपने लिए तो बहुत सी चीजें लगती हैं, लगती है कि नहीं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो सामान है, वो हमें कहाँ से मिलता है, देखो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस से, उसके बाद है रेलवे स्टेशन से, एंड लास्ट है मार्केट से। देखो कोई भी चीज अगर हमें खरीदनी हो तो हम कहाँ पे जाते हैं, हम जाते हैं मार्केट में जाते हैं, है ना। तो इसीलिए हमने उस मार्केट को टिक किया। उसके बाद थर्ड वाला क्या है यहाँ पे, देखो वेयर टू वी डिपॉजिट अवर मनी। हमने अभी अभी अपने लास्ट वाले क्लास में पढ़ा था कि अगर हमें अपने मनी डिपॉजिट करना है तो हम कहाँ पे डिपॉजिट करते हैं मनी, कहाँ पे हम अपने जो पैसे हैं वो सेफ रखते हैं। देखो यहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाके हम डिपॉजिट करेंगे क्या मनी, नो। उसके बाद है बैंक, एंड लास्ट में है स्कूल। तो हम स्कूल में जाके मनी डिपॉजिट करेंगे क्या, नो। तो हम अपने मनी कहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, बैंक में। इसीलिए हमने बैंक को टिक किया, ओके। उसके बाद